हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमित शबाना और जून 2022 के लिए मंथली जनरल रीडिंग लेके आई हूं। हम लोग रीडिंग टैरो कार्ड्स के द्वारा करेंगे। लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं जून 2022 के लिए। एक एक करके 12 राशियों का हाल देखा जाएगा वीकली, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, एंड देन उसके बाद आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। अब आपको अपना रीडिंग कौन सी राशि के अनुसार आपको देखना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रीडिंग जो है, टैरो रीडिंग है, वो अपना आप लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली या फिर अपने वेस्टर्न जोरिक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। हमेशा जिस राशि को आप फॉलो करते हैं बेटर यही रहता है, उसी को फॉलो करें। नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग के दौरान कि ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो अपनी ही जो आपकी और राशियां हैं उनके द्वारा भी आप अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो कि आपको आने वाले समय के लिए गाइडेंस देती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी और आपको क्या स्टेप लेना है। ये सिर्फ आपको गाइडेंस देती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं, जिससे कि आप कहीं पे भी बीच में चैलेंजेस को देख के डर ना जाएं, या कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या क्या एनर्जीज हैं आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अपनी 12 राशियां। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। वहां पे ऑल का आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको जस्ट क्लिक दैट ऑल बटन, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपको पहुंचेंगे। और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं जून 2022 की मंथली जनरल रीडिंग। वृष राशि वाले, टॉरस राशि वालों के लिए देखते हैं जून 2022 क्या एनर्जीज लेके आया है और उनके लिए हर हफ्ता क्या कहता है। तो पहला वीक जो है टॉरियंस आपके लिए जून 2022 का बता रहा है, द मून का कार्ड आया है। अपने आप को जरा संभालिए, जल्दी लोगों की बातें आपको हर्ट करेंगी, इमोशनल ट्रॉमास नजर आ रहे हैं, मूड स्विंग्स नजर आ रहे हैं और जल्दी उदास हो जाएंगे और आपको बस ये लगेगा कि लोग आपके बैक बाइटिंग कर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपको एक ना ये गलत फहमी रहेगी बहुत ज्यादा, इसको मैं गलत फहमी कहूंगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहूंगी। अगर आपको ऐसा बिल्कुल महसूस होता है तो जिससे भी आपको ये हो रही है चीज, आप उससे बिल्कुल क्लियरली आप बात कर लीजिएगा और अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ये भी लग रहा है कि आपकी जो है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने वाला है, आपको ढेर पानी पीना चाहिए इस वीक। आप बिल्कुल सोच लीजिए कि बॉटल्स भर के रख लीजिए और आपको पानी आप जितना पियेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और फर्स्ट वीक में मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा रेस्ट मूड में होंगे, आराम के मूड में होंगे, आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, लेजी लेजी से रहने वाले हैं। तो यहाँ मुझे ना ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत काम कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा कि आप बहुत रिलेशनशिप्स में अंदर जो है अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आप दुखी हो रहे हैं, तो फर्स्ट वीक में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, तो अपने दिल को संभाल, दिल को संभाल डालें, दिल को संभाल। तो सेकेंड हमारा जो वीक रहने वाला है टॉरस आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि सेकेंड वीक में जो है चीजें ठीक हो जाएंगी, संभल जाएंगी और जो है आपका जो वो फर्स्ट वीक में जो मूड स्विंग्स वगैरह थे वो काफी बैलेंस हो जाएंगे और आप एक अच्छे से मूड में हो जाएंगे। यानी कि ये भी समझ सकते हैं कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर किसी ने कुछ कहा है या कुछ हुआ है तो आप समझ जाएंगे वो होना ही था या वो आपका कुछ कार्मिक रिजल्ट था जो हुआ। बट क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है तो चीजें वो सारी की सारी मेंड हो जाएंगी, जो चीजें डिस्टर्ब हो रही थी वो आपकी बैलेंस हो जाएंगी। फिर थर्ड वीक में मुझे दिखता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का ये कहता है कि पैसों की कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं वीकनेस हो सकती है, आपका हार्ट टाइट हो सकता है। अगेन हेल्थ को देखना होगा,
हेल्थ यहाँ पे लग रहा है आपको, कोल्ड कफ वगैरह हो सकता है, बोन डेंसिटी जरूर चेक करा लीजिएगा, आई साइट जरूर चेक करा लीजिएगा। अभी तक की जितनी भी कार्ड आए हैं मुझे सब में मुझे दिख रहा है कि हेल्थ थोड़ी सी नासाज आपकी रहने वाली है। अगर फोर्थ वीक भी देखते हैं तो वहां भी आपको आया है फोर ऑफ कप्स ये कहता है, सॉरी एट ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका ना किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा, लगेगा सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग नाटक करते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बड़े बेजार से नजर मुझे आ रहे हैं। और थ्रू आउट अगर मैं देखूं अपने चारों वीक्स को देखूं हमारे टॉरस, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को संभालते तो रहेंगे कि चलो चलो ठीक हो जाएगा, बट फिर भी आपको ना जो क्या मूड स्विंग्स या मन, वो आपका कहीं ना कहीं पीछा करते ही रहेगा, चीजों को आप दिल से लेके लगाते रहेंगे। और ये कह लीजिए शायद हेल्थ थोड़ी सी ढीली रहने वाली है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो आपको ज्यादा चीजें जल्दी हर्ट करेंगे, जल्दी महसूस होंगी। तो अगर हम देखें आपका मून कार्ड क्या आया है, तो मून कार्ड के लिए भी मुझे ये दिखता है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपका विश्वास कहीं खोता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपकी फेथ नहीं होगा, कहीं पे आपका विश्वास नहीं होगा, तो आप थोड़े से ढीले ढीले से रहेंगे। एंजल गाइडेंस आपको क्या आ रहा है, एंजल कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। भाई उन लोगों से लड़िए ना, उन लोगों से चैलेंज लीजिए ना जो आपकी बराबरी करते हो, जो आपकी बराबरी नहीं करते, बराबरी मतलब समझ गए ना, आप सुपीरियर है भाई, अपने आप को बेस्ट समझना चाहिए, तो उनसे क्या लड़ना, उनसे क्या झगड़ना, और जिनसे आपको कोई नाता ही नहीं है उनकी बातों को क्यों जो है आपको उनकी बातों से डिस्टर्ब होना। तो कहते हैं ना वो वाला एक एड आया है, जोर का झटका धीरे से, तो आप जोर का झटका क्या, धीरे से भी झटका मत लीजिए, और जो लोगों से आपका दिल दुखी हुआ है उनसे तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए और मत रहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वही लोग जब आपको खुश देखेंगे तो सोचेंगे अरे हमने तो क्या सोचा था और क्या हुआ। तो चलिए टॉरस, प्लीज अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मजेदार वीडियोज आने वाले हैं और सारे वीडियोज देख डालिए, आपको वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।